दोस्तों, यदि आप भी गरीब हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस गरीबी की दलदल से बाहर हो जाऊं, तो आज जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, इस पे आप गौर करेंगे ना तो गरीबी को आप भी दूर कर पाएंगे। बहुत कम पूंजी से, ना आपके पास पैसा है, ना नौकरी है, ना कोई जॉब है, और आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, तो मेरे बात को बड़े ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको एग्जैक्ट करना क्या चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मतलब पूंजी नहीं है कि वो कोई धंधा करें, कोई बिजनेस करें, कोई काम करें। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आज मैं उन लोगों को कुछ हेल्प करूं जो घर पे रह करके, अपने गांव में रह करके महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं सुकून की जिंदगी जीऊं, बेरोजगार ना घूमता रहूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा पैसा कमाऊं। अगर आप लोग अपने आप को बेरोजगार मानते हैं या फिर कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी आएगी उसको भी आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आप लोग लाइक कीजिएगा। और समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या कारण होता है कि गरीब आदमी गरीब रह जाता है और अमीर आदमी अमीर दिन पे दिन अमीर होते जा रहा है। आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने इस डब्बे में कुछ सामग्री रखा है, आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये क्या है, इसको मैक्सो बोलते हैं, काफी जगह पे मोर्टिन बोला जाता है, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग नाम लिया जाता है। ये क्या होता है आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग होंगे जो इसको यूज करते होंगे। मैं थोड़ा इसको इसके बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए ये क्या चीज है, ये जो चीज है, मैं निकाल रहा हूं इसको, ये देखिए, ये जो चीज है ये मच्छर भगाने वाला एक प्रोडक्ट है, जिसको आप यहां से, यहां पे सुराग है, यहां पे ऐसे इसको लगा देते हैं, और लगा करके इसको ऐसे रख देते हैं, और ये रात भर जलता है, ठीक है, रात भर जलता है, और इसके आजू बाजू मच्छर नहीं आते हैं। ये जिसने भी बनाया होगा या जिसने भी इसके बारे में सोचा होगा, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। ये बहुत बारीकी से आपको समझा रहा हूं, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जो बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये रात भर में आराम देता है। तो ये जो बनाया है इंसान, वो क्या सोचे हैं, वो ये सोचे हैं कि यार इसको जलाने से रात भर इंसान चैन से सोएगा, मतलब एक प्रॉब्लम है, मच्छर काटते हैं सुबह जो है, मतलब आदमी का नींद खुलता है, तो अगर रात को सोया रहता है तो अच्छा से उसका दिन व्यतीत होता है, लेकिन रात को यदि नहीं सोया रहता है तो उसका दिन अच्छा नहीं जाता है, वो मतलब चेहरे पे उदासी होती है ना। तो इसको बनाने वाले ने क्या सोचा कि रात को आदमी चैन से सोएगा, इसको जो है रख देगा, जला देगा। इसकी कीमत कितना है मैं आपको बता दूं, इसको कीमत अगर आप जाए तो 2 रुपए से 2.5 रुपए है एक, मतलब एक ऐसे पीस का 2 से 2.5 रुपए, ठीक है। अगर आप इसको होलसेल में लेंगे, अगर इसको पूरा पैकेट खरीदेंगे, तो ज्यादा ज्यादा 17 रुपए से 18 रुपए में आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगा, ज्यादा ज्यादा 20 रुपए कहीं बढ़ गया होगा तो, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, समझाने के लिए इसको मैं रखा हूं। मैं हालांकि इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप अच्छा है बुरा है, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, समझिएगा। मैं निकाल रहा हूं, ये है क्लोजअप का, आप लोग पेस्ट जानते हैं, जो पेस्ट करते हैं, ये क्लोजअप है, 10 रुपए कीमत है, ठीक है। और भी बहुत सारे सामान है, ये माचिस पड़ा हुआ है, ठीक है, माचिस है, साथ में एक मैं आपको दिखा दूं, ये एक रेड लाल रत्मंजन है, ठीक है। ऐसे ऐसे सामग्री है, मैं इसको इकट्ठा किया हूं, इसके इसमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज है। ये जो वायर है आप देख सकते हैं, तार जिसको बोलते हैं, इसकी क्या जरूरत है, और ये क्यों, मतलब कि क्यों काम में आता है, क्या काम में आता है, ये नोट पैड है ना, ये हेडफोन है, ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा रहा हूं, अभी आपको मैंने जितना भी प्रोडक्ट दिखाया, मैं इसको रख देता हूं साइड में, भारी बहुत है। मैं देखिए आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मेरे दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जो सोच रहे हैं कि यार मैं भी अपने जीवन में कुछ करूं, पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं, और बहुत से लोग हैं जो कमा रहे हैं, उनको देख करके हम इम्प्रेस होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि उनको देख करके मोटिवेट होते हैं, और सोचते हैं कि कैसे ये कर लेता होगा, कैसे ये यहां तक पहुंच गया है। देखिए यही कारण होता है, गरीब इंसान जो है भविष्य नहीं सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि आज मैं जो कर रहा हूं इससे आगे क्या होने वाला है, वो ये नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि आज मैं 500 रुपए दिहाड़ी कैसे कमाऊं, आज का जो मेरा दिहाड़ी है वो कैसे लगेगा, है ना। देखिए मेहनत बहुत करता है, गरीब आदमी मेहनत बहुत करता है, लेकिन माइंड जो यहां से जो
आप बोल सकते हैं यहां की जो शक्ति है ना उसका यूज नहीं करता है, उसको बोलेंगे ना 10 ईंट लेकर चढ़ने के लिए चार माले पे चढ़ जाएगा, लेकिन वो दिमाग नहीं लगाएगा। और जो महा आलसी आदमी होता है, महा ऐसा बोल सकते हैं जो मतलब निकम्मा आदमी होता है, वो दिमाग लगाता है, वो सोचता है कि क्या मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से मुझे 10 ईंट शरीर पे न ढोना पड़े। कुछ ऐसा यंत्र बना देता है, कुछ ऐसा सीढ़ी बना देता है जिसके बदौलत जो है 10 माले का 50 माले पे भी वो ईंट आराम से लेके जा सकता है। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, ये किसी न किसी का सोच है, किसी न किसी का एक थॉट है कि हाँ मैं अगर ऐसा बना दूंगा, ये चीज मैंने बना दूंगा तो लोगों का काम आसान हो जाएगा। मैंने आपको ये मोर्टीन का, मोर्टीन हालांकि नहीं है ये, इसको जो भी नाम दे मच्छर भगाने वाला बोलते हैं, इसको जिसने भी बनाया होगा ये वो व्यक्ति ये जरूर सोचा होगा कि इससे मैं लोगों को राहत दूंगा, लोगों को एक संतुष्टि मिलेगी, सुकून मिलेगा, रात को चैन से आदमी सो पाएगा। क्योंकि मच्छर भगाने का उपाय और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये उसको लगा कि नहीं यार, ये एक ऐसा चीज है कि एक रूम में अगर इसको रख देते हैं, एक बत्ती जला देते हैं, तो उसकी सुगंध जो है, उसकी खुशबू जो है, उसकी जो ऐसा बोल सकते हैं उसका जो धुआं है वो चारों तरफ फैलेगा और उसकी वजह से मच्छर नहीं आएंगे। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं या फिर कोई काम धंधा सीखे हैं, आप भी कुछ ऐसा बना दीजिए, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे कि लोगों का काम जो है आसान हो जाए। देखिए, लोगों का काम यदि आप आसान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी अपने गांव में देखिए, ढूंढिए, अरे निकलिए अपने घर से और देखिए कि लोगों को क्या क्या तकलीफें आ रही हैं, क्या ऐसा काम है जो आपके गांव में नहीं है या फिर लोग उससे जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उसका समाधान कुछ सोचिए। हर कोई इंसान जो सफल है, जो कोई न किसी लेवल पे है, कामयाब है, वो क्या किया है, वो यही तो किया है, दुनिया से कुछ अलग किया है। अभी आप मेरे यहाँ पे जिस गांव में मैं रहता हूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं जिस गांव में रहता हूँ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है। हालांकि पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि यूट्यूब होता क्या है, ये यूट्यूब क्या चीज़ है। मैं जब जाता था अपने खेतों में ना वीडियोज को बनाने के लिए, मोबाइल को ऐसे पकड़ करके और ऐसे बोलता था कि मेरा नाम राजेश है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ऐसे मैं पेड़ के सहारे मोबाइल को रख करके और बोलता था ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। वहाँ पे जो घास छीलने वाले लोग होते हैं ना, जो गन्ना काटते हैं, घास छीलते हैं, है ना, बोरी में खुरपा लेकर के घास छीलते हैं जलानियाँ, वो सब मुझे देखते थे तो मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे अरे क्या पागलपन है ये एक दो लड़कों का बाप हो गया और ये अभी खेतों में क्या करता है, इसका लग रहा दिमाग सठिया गया है, ये पागल हो गया है, इस तरीके से लोग मुझे बोलते थे। और वही देखिए, मेरे गांव में कोई जानता नहीं था कि यूट्यूब ये सब क्या होता है, किसी को नहीं पता था। ये पता था कि मोबाइल में फिल्म देखा जाता है, गाना देखा जाता है और बस टाइम पास किया जाता है। लेकिन ये मैंने उस मोबाइल को यूज किया सही काम में, मैंने लगाया, अपने दिमाग को लगाया, पूरा 2 साल तक मैं लगा रहा, एकदम पूरी रातों दिन मैं आँख ऐसे खोल करके ना अपने मोबाइल में देखता रहता था क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से चैनल बनाते हैं, किस तरीके से वायरल होता है, क्या ऐसा मैं वीडियोज बना देता हूँ, क्या मैं करूँ, कैसे कैसे लोग ग्रो हो जाते हैं, कैसा मोटिवेशन होता है। मैं हर चीज A to Z मैंने सीखा। मैंने दुनिया से, अपने गांव से कुछ अलग किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आप भी जब कोई भी काम कोई स्टार्ट करेंगे ना, जब कुछ भी नया बनाएंगे, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो हेलीकॉप्टर बना देते हैं, बाइक में कुछ ऐसी सेटिंग कर देते हैं, एक ठेले में कुछ मोटर लगा देते हैं, मतलब देखिए सबसे विपरीत कुछ कर देते हैं, उनका नाम होता है, उनको लोग पहचानते हैं कि हाँ फलाना इंसान, ये इंसान जो है ये चीज़ बनाया है। ठीक वैसे आपको भी कुछ न कुछ बनाना चाहिए। देखिए यार, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है कि मैं मानता हूँ कि इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं, अलग करने का मतलब है कि लोगों का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का कुछ न कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं अपने ढंग से, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो आप गांव से कुछ अलग कर रहे हैं, और अगर अलग कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, आप इतना पैसे कमाएंगे कि जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। मैंने भी अपने शुरुआती दौर में पैसे नहीं कमाता था, ये यूट्यूब मुझे पैसे वैसे नहीं देता था। आज मैं आपको इतना धड़ाधड़ बोल के दिखा रहा हूँ, धड़ाधड़ मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मुझे नहीं आता था। मैं रुक रुक के बोलता था कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश,
और आप आरके टूल चैनल देख रहे हैं। ऐसे में बोलता था कि मुझे खुद को अभी देखता हूं तो हंसी आती है। आप मेरे जा करके देखिएगा वीडियोज को, जब सबसे शुरुआत में मैंने जब वीडियोज बनाया था एक मोटिवेशनल स्पीकर को देख करके मैं भी मोटिवेट हुआ था और मैं मोटिवेशनल वीडियोज बनाया था, कोई देखा नहीं, मुश्किल से अभी भी उस पर 400-500 से कमी व्यूज है, है ना। लेकिन जज्बा था, जुनून था कि नहीं यार अब तो लोग बेइज्जती भी कर दिए हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में मुझे करना ही है। और मैं लगा रहा 4 साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी भी वो अंदर से बात गई नहीं है, अभी भी है कि मैं कुछ करूंगा और भी बड़ा करूंगा और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा और नाम कमाऊंगा। और इसके साथ साथ सिर्फ देखिए पैसे कभी भी एक तरह से ना कमाइएगा, मतलब एक जगह से पैसे आ रहा है, चाहे आपका कोई भी काम है, जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या सरकारी, एक जगह से पैसा आ रहा है, तो आप पैसा सोचिएगा कि मैं 4-5 जगह बनाऊं पैसा कमाने का, कुछ ऐसा सोर्स बनाऊं जिससे कि 4-5 जगह से पैसा आए। अमीर आदमी ऐसे होता है, गरीब का सोच क्या होता है, आज किस तरह से कमाऊंगा, आज 500 की दिहाड़ी कैसे लगेगी, वो सिर्फ आज का सोचेगा। आप मुझे बताइए कि अगर आज आपका हाथ पैर चल रहा है, आपका शरीर ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, आपका मतलब सेहत ठीक है, आप पैसे कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, A to Z बढ़ाई का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपका शरीर ठीक है तो कर रहे हैं। जरा ये बताइए कल को अगर कुछ हो जाता है आपको, कल भगवान न करे अगर कुछ हो जाता है, आपका सेहत में कुछ कमी आ जाती है, आप कहीं चल नहीं सकते, आप अच्छा उठा नहीं सकते, किसी काम को हथौड़ा नहीं मार सकते, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो उस वक्त आप क्या करेंगे, कभी सोचा है आपने? और क्या आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है एक न एक दिन हमारा साथ छोड़ता ही है, कुछ एक ऐसा वक्त आ जाता है कि हमारा 50 केजी छोड़ो 20 केजी भी उठाने में हमें सोचना होता है कि यार मैं इसको कैसे उठाऊं। ये दिन को जरा याद कीजिए, आपकी एज 20 साल है, 25 साल है, जितनी भी एज है, आप भारत में, दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, एक दिन ऐसा वक्त हर किसी का आता है कि उसको 10 केजी उठाने में भी सोचना होता है। तो उससे पहले कि वो समय आए, मैं कुछ ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो वक्त आए, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम ना दे, मैं फिर भी सहन से रहूं, फिर भी अच्छा से रहूं, और मुझे टेंशन इस बात का ना रहे कि कल मेरी अगर जांगर, मेरी जो सेहत है वो खराब हो जाती है तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खुशी खुशी मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। ये इस वक्त हमें सोचना चाहिए। आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, जितना भी एज है, मौका आज है, करना आपको है। देखिए करेंगे आप आगे जाएंगे, नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे, आपका पड़ोसी आपसे आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, बाद में आप पछताएंगे और मुझे याद करेंगे और कहेंगे वो लड़का सही कहता था, वो सही बोल रहा था, मुझे उस वक्त इस काम को कर लेना चाहिए। देखिए मैं बार बार कहता हूं, मैं आपको याद आता रहूंगा और आप ये सोचते रहेंगे कि काश मैंने वो चीज कर लिया होता। आज मैं ये वीडियो सिर्फ मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, ये किसी न किसी का सोच है, हर किसी का सोच है कि मैं दुनिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आप भी अभी अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, निश्चित है कि 10-12 तो आपने पढ़ाई किया ही होगा, आप भी आज अपने गांव में घूम करके, अपने पड़ोसियों में देख करके सोचिए कि मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूं। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपना कुछ बनाइए, आप कुछ क्रिएट कीजिए, आप कुछ बनाइए। मैं ये क्यों बोलता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है। कारण ये है कि अगर एक मान लीजिए ये दूसरे का बना बनाया हुआ प्रोडक्ट है, किसी और ने बनाया है, किसी कंपनी ने बनाया होगा, ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट को मैं लेकर के आता हूं और अपने घर से इसको व्यापार करता हूं, इसका होलसेल में व्यापार करता हूं, थोक में फुटकर में बेचता हूं, तो मुझे कितना कमाई होगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 15 रुपये का मिला है तो 20 रुपये प्राइज है, तो मुझे 16 रुपये 17 रुपये मैं बेचूंगा, 2-3 रुपये मुझे मिलेगा। यही होता है, एक साबुन 10 रुपये की आती है, कोई भी साबुन हो, महंगा भी आता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी साबुन 10 रुपये की है, आपको खरीदेंगे तो 9 रुपये मिलेगा। अगर और भी थोड़ा मतलब उसका वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो शायद 8 रुपये में पड़ जाए, लेकिन 10 में ही बिकेगा ना, 10 में ही बिकेगा, 8 में खरीदा 10 में बिका, बीच में आपको कितना मिलेगा, 1 से 2 रुपये। किसी और का प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं, किसी और का बनाया हुआ प्रोडक्ट यदि आप बेचते हैं, तो सिर्फ उसमें कुछ परसेंट, कुछ पैसे, कुछ रुपए आपको 1-2 रुपये कमीशन के रूप में, ऐसा बोल सकते हैं, आपको मिलेगा, बस इतना ही बचत होती है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट, इससे थोड़ा हट के सोचिएगा, कोई भी प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, आप उसको क्रिएट करते हैं, आप उसका मैन्युफैक्चरर हैं, आप उसको बना रहे हैं,
और वो आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट एक ब्रांड बन जाता है। एक प्रोडक्ट को आप ब्रांड बना देते हैं, ब्रांड का रूप दे देते हैं और उसको मार्केट में उतारते हैं, वो आपके नाम से पहचाना जाता है। उसको सेल करने वाले जो लोग होंगे उसको आप काम देंगे, रोजगार देंगे। ऐसा ही तो होता है। देखिए, छोटे से शुरुआत हर कोई करता है, कब बड़ा बन जाता है उसको खुद पता नहीं लगता। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी स्कूल में आपको ये बातें नहीं बताया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जीवन की ठोकरें खा खा करके आदमी सीखता है। एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार कीजिए जिसपे कि बाकी लोग चढ़ सकें। एक ऐसा ट्रेन बना दीजिए, मैं ट्रेन नहीं बोल रहा हूँ बनाने के लिए, मैं एक ऐसा लाइन बना दीजिए, एक ऐसा रास्ता बना दीजिए जिसपे कि बाकी को भी नजर आए, मौका नजर आए कि हाँ यार मैं भी इस पे कुछ कर सकता हूँ, ये लाइन से मैं भी जा सकता हूँ। तो आपको ये बनाना है। देखिए, जो कंपनी के मालिक होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोच करके फैक्ट्री बैठाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इतना रुपए इसमें लगा देता हूँ, इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये बिजनेस अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं बाकियों को रोजगार दूंगा, बाकी लोग जो परेशान हैं उनको मैं एक काम दे दूंगा, उनको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, उनको एक धंधा मिल जाएगा और मैं भी धंधा करूंगा, मैं भी बिजनेस करूंगा। तो वो इस तरह से इसलिए सोचते हैं, क्यों नहीं वो खुद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी को मैं रोजगार दूंगा, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होगा और उतना ज़्यादा जो है मैं सेल करूंगा, उतना ज़्यादा कमाई होगी। वो ये सोचते हैं इससे बहुत कुछ बदलेगा, समाज का सिचुएशन बदलेगा, लोगों का बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है वो बदलेगा। ये सब देख करके बड़े बड़े लोग ऐसा काम करते हैं। तो लेकिन उनकी भी शुरुआत जो होती है वो छोटे से होती है। पहले एक मशीन बैठाते हैं, फिर दो, फिर तीन, फिर दस, पचास, एक बैग 50 मशीन नहीं बैठा लेते। आपको अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पे आपको चढ़ना पड़ेगा। जब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप बाकियों से ऊपर उठ रहे हैं, बाकी लोग जमीन पे हैं। अब आपने कुछ सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा, अगर आपने सोचा तो आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा ना, आप उसके लिए भागेंगे। आप जब वहां पे जाएंगे तो देखेंगे बाकी और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनसे जो नीचे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नीचे हैं, धरती पे हैं, जो सीढ़ी पे चढ़ने के भी सोच भी नहीं रहे। आप अगर जागे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इस सीढ़ी पे चढ़ूंगा, तो आप करोड़ों लोगों से ऊपर उठ गए। वहां पे जाएंगे थोड़ा कंपटीशन होगा, फिर दूसरे सीढ़ी पे जाएंगे तो थोड़ा और कंपटीशन होगा, तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, एक दिन ऐसा वक्त आएगा ना उस सीढ़ी के जो आखिरी पौदान होगा वहां पे आप खड़े रहेंगे और बाकी नीचे जो है लोग भीड़ लगा करके कट्टम काट्टी मरम मारी कर रहे होंगे कि मैं उस जगह पे जाऊंगा, मैं उस जगह पे जाऊंगा। और वहां पे जाने पे आप देखेंगे ना कुछ ही लोग होंगे वहां पे, कुछ गिने चुने लोग होंगे, और वो लोग क्या वहां पे मजे ले रहे हैं, उस सीढ़ी पे, उस मंजिल पे जाकर के वो लोग मजे ले रहे हैं और नीचे देख करके हंस रहे हैं। अगर आप उन लोगों को बोलेंगे भी ना कि चलो यार नीछे यहां पे कुछ रखा नहीं है, तो वो लोग कहेंगे अरे छोड़ना यार, क्यों पागल बना पड़ा है, इतनी मुश्किल से तो आए हैं, अब यहां से नीचे जाने से क्या फायदा है, यहां ठीक है, देख रहे हैं नीचे कितना मरम्मारी मचा हुआ है, कटम काटी मचा हुआ है। तो ये हर किसी का एक अपना अपना थॉट होता है, अलग अलग सोच होता है। ये मेरी सोच है, मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप लोग गरीब बेरोजगार असहाय हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो आप स्टार्ट कीजिएगा, देर मत कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि समय निकल जाएगा। आज जो भी बनाना है अपने गांव में, अपने घर में, अपने प्रॉब्लम को, अपने लोगों के मित्र रिश्तेदारों को प्रॉब्लम को देखिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग इससे परेशान है, लोग जूझ रहे हैं। जब आप एक बार नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, आपको हजार ऑप्शन दिखेगा, और उनमें से जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि मैं ये चीज क्रिएट कर सकता हूं, मैं ये चीज बना सकता हूं। अगर देखिए, जो बल्ब का आविष्कार किया है ना, जिसको थॉमस एडिसन लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा उनके बारे में, उन्होंने 10,000 बार फेल हुए हैं, 10,000 बार। क्या आपको पता है एक बल्ब के लिए, एक बल्ब को बनाने में मतलब उसका कितनी कारीगरी लगी होगी यार, कितना मतलब दिमाग लगा होगा ना। 10,000 बार जो है इंसान फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता है, वो बल्ब बना के मानता है। आज तो 10 रुपये में जाते हैं तो एक बल्ब लेके आ जाते हैं 10 रुपये में, लेकिन उसको बनाने वाले इंसान जो 10,000 बार फेल हुए हैं उसके बाद हार ना मान करके बल्ब का आविष्कार किए हैं। सोचिए, आप और हम एक छोटी सी मतलब अगर एक छींक भी आ जाता है ना हमको, तो कहते हैं यार छोड़ो ना यार, आज कौन काम करेगा, आज तो तबीयत ही ठीक नहीं है, आज तो मतलब छोड़ दो यार, आज रेस्ट करेंगे। सोचिए, क्या उनको बुखार नहीं लगा होगा, क्या उनको तबीयत खराब नहीं हुआ होगा, क्या उनको ऐसी कोई मतलब लगा नहीं होगा कि छोड़ो यार ये बन तो रहा है नहीं, इतने दिन से माथा मार रहा हूं, ऐसा लगा ना होगा। हजार बार आया होगा मन में,
लेकिन हर उस थॉट के बाद वो यही सोचते होंगे कि नहीं यार एक बार और, नहीं यार एक बार और। आज हम और आप एक बार हार जाते हैं, एक बार किसी बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तो दुनिया ही लूट गई। होता है ना, जैसे किसी लड़की ने फोन करके बोल दिया अपने बॉयफ्रेंड को कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मेरा शादी सेट हो गया। अब उस लड़के का देवदास बन के शुरू है वो, अब वो पीना पैक लगाना शुरू कर देगा और वो मतलब उसका दुनिया ही खत्म हो गया। ऐसा समझिए कि वो अब इस दुनिया में अब रहने लायक नहीं है, वो अपने आप को ऐसा बना लेता है। अरे ये सब छोड़िए, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने बिजनेस से अपने जीवन से रिलेट कीजिएगा इसको, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको छोड़िए। और एक नया सूरज कल उगेगा, एक नया सूरज आज निकला है, आज कुछ करके रखना है। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है, अभी तक मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी भीड़ से अलग होना चाहिए, बाकी भीड़ से जो अलग हो, इस लेवल पे कुछ सोच रहे हैं आप, और जाहिर सी बात है उसको निकाल दीजिए। आज अपने मन से उसको बाहर लाइए, उसको प्रैक्टिकल एक्शन में बदलिए, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचते सोचते देखिए हमारे दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं, ये आप सबको भी पता है, और ये सारी थॉट है ना, उनमें से किसी एक थॉट को आप पकड़ लीजिए जो आपको लगे कि मैं इसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे ये काम करना पड़े, ये काम को मुझे करना ही करना है। एक थॉट को पकड़ लीजिए और उसको पकड़ करके निकल जाइए। देखिए उसके लिए पैसा, उसके लिए जो भी लगे ना लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को, लेकिन हार मत मानिए, ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा। अरे सब कुछ होगा मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आज दुनिया जो है चांद पे पहुंची है, चांद पे लोग जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया चांद पे भी जाएगी? अरे हम तो धरती पे रहने वाले लोग हैं, हम चांद पे कैसे जाएंगे, लेकिन लोग जा रहे हैं ना, जा रहे हैं। कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। बस हम क्या करते हैं, हमारी गलती होती है कि हम पीछे भाग जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। आप लोग सोचेंगे यार इतना कम एज है इस लड़के का और ये लड़का अभी तक मुझे इतनी बातें बता रहा है जैसे बुजुर्ग लोग बताते हैं, ये कैसे अनुभव किया, इसको कैसे पता है? मुझे पता है इसलिए क्योंकि मैं जिंदगी की ठोकरें खा खा करके मैंने सीखा है। हर जगह पे गुलामी की है, हर जगह नौकरी की है, देखा है मैंने क्या होता है और किस तरीके से होता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, ये भी सत्य है। लोग आपको सोचेंगे नहीं कि आप आगे बढ़ जाएं, बस एक ही इंसान होता है जो आपको चाहता है कि आप आगे बढ़ें, जानते हैं कौन? आपके माता पिता। आपके माता पिता को छोड़ करके इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको चाहे कि आप आगे जाएं। हर कोई चाहेगा आप पीछे ही रहें, मैं आगे रहूं, आप पीछे ही रहें, मैं आगे रहूं, हर कोई यही चाहेगा। लेकिन सिर्फ एक माँ बाप होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी औलाद बहुत ऊपर जाए, जितना कमाना है कमाए, जो भी बनना है बने। हर कोई मतलब अगर आप अपने माँ बाप से अलग भी हैं ना, अगर अपने माँ बाप से आप अलग हैं, फिर भी आपके माँ बाप चाहेंगे कि मेरा बेटा बहुत कुछ कमाए, बहुत नाम कमाए, बहुत पैसा कमाए। बाकी इस दुनिया में और कोई नहीं चाहेगा। आप जरा कभी भी किसी को याद करें ना करें, भले ही आप अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन उनको एक बार अपने मन में जरूर याद कर लें यार सुबह उठते वक्त कि उनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, अगर वो नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं आता। एक बार उनको याद करना चाहिए, भगवान को याद करें ना करें, लेकिन अपने माता पिता को एक बार स्मरण जरूर करनी चाहिए। दोस्तों ये मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि ये बातें बहुत काम करती हैं, जो भी मैंने आपको बताया, सच में अगर इस बात को आप फोकस करेंगे ना, अगर इस बात को मेरे समझे होंगे, तो ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। कुछ भी ऐसा बना दीजिए, हर किसी का आशीर्वाद लेकर के कुछ भी ऐसा शुरू कर दीजिए जो बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं, बाकी लोग करने की कभी सोचे भी नहीं होंगे। और कभी भी छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा, कभी भी छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा, कभी बड़ा मत कीजिएगा। अपने खेत घर ये सब बेच करके कर्ज वर्ज लेकर के स्टार्ट मत कीजिएगा। कभी भी सोचिएगा कि मैं 5,000 से 10,000 रुपए से कैसे स्टार्ट करूं, मैंने महीने का 25,000 रुपए लिखा है। आप लाखों रुपए कमाएंगे, लाख क्या, 10-10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आपने काम किया तो। दोस्तों आज हो सकता है कि मेरी बातें आपको कड़वी लगी हो, थोड़ा सा लगा हो कि यार मतलब ये कैसे बोल रहा है, लेकिन ये बातें सत्य हैं। इस पे बहुत से लोग हैं जो काम करके अपने जीवन को ग्रो किए हैं, मैं भी अपने जीवन को ग्रो कर रहा हूँ, दिन पे दिन मैं भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ये सब आप लोगों का कृपा है। क्योंकि मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि कुछ भी ऐसा आपको करना होता है जो आपका होता है, भले ही छोटा ही हो, एक किसी ने कहा है ना कि बड़ा मालिक बनने से अच्छा है कि छोटा सा बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा सा मालिक बन जाओ, जिंदगी खुशी से कटेगी। ये बात
मैं समझ चुका हूं। अगर इस बात को आप भी समझेंगे जिस दिन, उस दिन आप अपना समय नहीं गंवाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। अगर मेरी बातों से संतुष्ट हैं, समझ चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ। तब तक ले जाए और बंदे मातरम।